सो हे गाइस, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर रियलमी ने रियलमी 7 सीरीज के अंदर रियलमी 7 और 7 प्रो डिवाइस को लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही कमाल के प्राइसिंग पर आते हैं और अपने प्राइस के अंदर एक किंग स्मार्टफोन हो जाते हैं। लेकिन गाइस, अब बारी है रियलमी 6i के सक्सेसर रियलमी 7i डिवाइस की, जो कि आपको बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर यह डिवाइस रियलमी इंडिया के ऑफिशियल सपोर्ट पेज पर लिस्टेड हो चुका है, जिसके बाद इस डिवाइस को लेकर ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ चुके हैं अलॉन्ग विद प्राइस। सो अगर आप भी डिटेल में जानना चाहते हो रियलमी 7i डिवाइस के बारे में कि क्या कुछ अपग्रेड देखने को मिलेगा Realme 6i से और क्या कुछ प्राइसिंग हो सकती है, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। सो गाइस, Realme 7i के साथ में आपको 6.5 इंचेस की एक HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल वाली स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जहां पर डिस्प्ले के अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। सो गाइस, अगर डिस्प्ले को देखें तो यार मेरे अकॉर्डिंग इस प्राइस के अंदर आपको कम से कम एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन तो प्रोवाइड कराना ही चाहिए। मतलब 10,000 प्राइस के अंदर आपको ऑलरेडी Redmi के Note 9 Prime के अंदर आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है विद IPS LCD पैनल, बट वहां पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। सो इस फोन के आपको 90Hz रिफ्रेश रेट तो मिलता है, बट यहां पर आपको एक HD प्लस रिजोल्यूशन वाली ही डिस्प्ले मिलती है। सो इस चीज को आपको गौर करना होगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको एक सिंगल पंच होल कटआउट मिलता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, जहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें इस फोन के बैक साइड लुक को लेकर, सो ये फोन बहुत ही हद तक सिमिलर होगा Realme 7 और 7 Pro से। मतलब वहां पर जो आपको डिजाइन देखने को मिलेगी, कैमरा प्लेसमेंट होगा, वो काफी कुछ सेम देखने को मिलेगा Realme 7 सीरीज से, जहां पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जो कि एक अपग्रेड होगा। मतलब Realme 6i के साथ में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला था, सो इस फोन के अंदर यानी Realme 7i के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा। और बाकी लेंसेज की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें इस फोन के बैक साइड डिजाइन को लेकर, तो आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा, मतलब वही प्लास्टिक बैक विद ग्लॉसी फिनिशिंग, जहां पर आपको ये फोन दो कलर ऑप्शन के साथ में देखने को मिलता है। जो पहला होगा वो होगा अरोरा ग्रीन कलर, सो दूसरा आपको पोलर ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग व्हाइट कलर में होगा और थोड़ा सा आपको ब्लू कलर का सेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर या फिर चिपसेट को लेकर, सो Realme 7i के अंदर कहीं ना कहीं एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिला है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, और अगर बात करें Realme 6i की, सो वहां पर आपको देखने को मिला था MediaTek Helio G90T, जो कि अंडर 13 की एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन था। यहां पर अगर रैम और स्टोरेज की बात करें, तो आपको ये फोन इंडिया के अंदर 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम ऑप्शन के साथ में देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको 64GB और 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी ये फोन Android 10 के साथ में Realme UI के साथ बेस्ट आने वाला है। और अगर बात करें इस फोन के बैटरी को लेकर, सो यहां पर आपको एक अपग्रेड देखने को मिलेगा बैटरी कैपेसिटी को लेकर, जहां पर Realme 6i के अंदर आपको मिला था 4200 mAh की बैटरी, तो Realme 7i के अंदर आपको मिलेगा 5000 यानी 5000 mAh की एक लंबी बैटरी। बट अगर बात करें फास्ट चार्जिंग को लेकर, सो Realme 6i के अंदर आपको 30W यानी 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिला था, सो इसके सक्सेसर यानी Realme 7i के अंदर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। सो कहीं ना कहीं बैटरी तो बढ़ा दिया Realme ने, बट फास्ट चार्जिंग के अंदर कट कर दिया। बाकी अगर बात करें इस फोन के प्राइसिंग को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करेगी, सो ये फोन इंडिया के अंदर अपने 4GB रैम या 6GB रैम ऑप्शन के साथ में आपको देखने को मिल सकता है 12,000 से 13,000 के करीब में। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर ऑलरेडी ये डिवाइस लॉन्च हो चुका है 8GB रैम और 128GB इंडोनेशियन प्राइस को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में, तो आपको 15,000 के करीब देखने को मिलता है। बट मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर आपको ये फोन अपने बेस वेरियंट यानी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में लॉन्च होकर 12,000 से लेकर 13,000 के करीब आते। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर दिया है प्रोसेसर को लेकर। बाकी कैमरा के अंदर आपको अपग्रेड देखने को मिलता है और बैटरी के अंदर आपको अपग्रेड देखने को मिलता है बैटरी कैपेसिटी के अंदर। सो गाइस, क्या कहते हो आप इस डिवाइस को लेकर, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो? हालांकि मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि रियलमी फोन्स पे फोन्स लॉन्च करती जा रही है और किसी फोन के अंदर थोड़ा बहुत कम मेजर अपडेट करके उस फोन को लॉन्च कर देती है। सो आप जरूर बताना कि क्या कुछ देखने को मिलना चाहिए और एक्चुअल में क्या कुछ प्राइसिंग होनी चाहिए रियलमी 7i की। और गाइस, अगर लॉन्च डेट की बात करें, तो आपको ये फोन अक्टूबर लास्ट तक कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, बाकी नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंफर्मली इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।